हेलो दोस्तों, तो आप सभी का फिर से स्वागत है इंडियन याकर में। मैं हूँ राहुल, और आज हम बात करेंगे एक ऐसी योजना की जो सरकार ने निकाली, अटल पेंशन योजना। दोस्तों, वो इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत इजी है दोस्तों इसे क्रिएट करना। आप SBI नेट बैंकिंग से इसे क्रिएट कर सकते हैं बहुत जल्दी, 5 मिनट में। और ये इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि 18 साल से 40 साल तक की एज लिमिट यदि आपकी है तो आप इसे ले सकते हैं। और 40 साल के सॉरी 60 साल के बाद जैसे ही आप होंगे तो आपको हर महीने 1,000 से लेकर 5,000, मतलब 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 की पेंशन आपको मिल सकती है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट SBI में लॉगिन करना है और उसका वीडियो मैं पूरा बना रहा हूँ। तो आप उसे अपनी EMI डिसाइड कर सकते हैं कि मतलब EMI फिक्स रहती है, यदि आपकी एज कम है तो कम रहती है, आपकी एज यदि ज़्यादा है 40 साल के अकॉर्डिंग तो वो थोड़ी सी ज़्यादा आती है, मतलब जैसे कि 1,000 रुपये तक आती है। ठीक है, तो आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी पेंशन लेना है और उस एज के हिसाब से आपकी EMI सेट हो जाती है। उसमें खास दोस्तों इसकी बेनिफिट ये है दोस्तों कि आपके नॉमिनी को भी रिटर्न अच्छा खासा मिलता है जब ये आपकी 60 साल एज हो जाती है दोस्तों। तो ये योजना बहुत काफ़ी अच्छी थी दोस्तों, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप भी देखिए कि आपको कैसे लेना है, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो देखिए आगे कि ये अटल पेंशन योजना लेना कितना आसान है दोस्तों। ठीक है, तो आप देख लीजिए एक बार कि वो आपको कैसे लेना है, और मैं ये सिर्फ SBI नेट बैंकिंग के थ्रू ही बता रहा हूँ दोस्तों। तो आई होप कि आप पूरा वीडियो देखेंगे, बने रहिए वीडियो के साथ, बाय। तो दोस्तों अटल पेंशन योजना के लिए आपको ई सर्विस पे क्लिक करना पड़ेगा इंटरनेट बैंकिंग में SBI के। और ई सर्विस पे क्लिक करने के बाद आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम पर क्लिक करना पड़ेगा, जैसे कि लिखा हुआ है APJ, मतलब अटल पेंशन योजना। उसके बाद आपको सिलेक्ट स्कीम करना पड़ेगा आपको कौन सी स्कीम को लेना है, जैसे यहाँ पर अपन ने अटल पेंशन योजना किया। उसके बाद अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली आपका नेविगेट होगा जो कि सेविंग अकाउंट जो भी आपका रहेगा, उसके बाद ओके कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। इसे सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि आपको सिलेक्ट CIF नंबर भी ऑटोमेटिकली नेविगेट हो जाएगा, और उसके बाद इसे नेक्स्ट कीजिए, सबमिट कीजिए। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सबमिट करना पड़ेगी जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, प्लेस ऑफ एप्लीकेशन, प्लेस ऑफ एप्लीकेशन मतलब जिस सिटी में अभी आप रह रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट में रह रहे हैं, अकाउंट कहीं का भी हो सकता है, लेकिन जैसे सपोज आप जिस करंट कम में रहे वहाँ पे आप उसका नाम लिख दीजिए, प्लेस ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद आप वेदर बेनिफिशियरी ऑफ द सोशल सिक्योरिटी स्कीम, यदि आपके पास दूसरी सोशल सिक्योरिटी है स्कीम है तो उसे यस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन नेविगेट होगी दोस्तों, तो वो आप रहने दीजिएगा, और जो स्टार है वो उसे आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर आपका आधार नंबर दिख रहा है तो आप अपना आधार नंबर मतलब UID आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं आपके खुद की। उसके बाद वेदर इनकम टैक्स पे, यदि आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है। उसके बाद एक पॉपअप आएगा, उसको आपको यस करना है दोस्तों, बहुत सिंपल है। यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन आप फिल कर सकते हैं अपने पर्सनल वो कर दें। और देखिए यहाँ पर स्टार है, जैसे जेंडर है, जेंडर में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस, यदि आप शादीशुदा हैं या मैरिड है तो मैरिड लिख दीजिए, यदि आप बैचलर है तो बैचलर, जो भी आप हैं। उसके बाद आपको राइट साइड में आप देखेंगे सिटी है, ये जो भी इन पर सिटी स्टेट और राइट साइड में आ रहा है ये आपका अकाउंट जहाँ पे है वो आप इसे फिल कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है जो नेविगेट हो रही है ऊपर, EMAIL ID है, मोबाइल नंबर है, ये सब आप फिल कर दीजिए। अब स्पाउस, स्पाउस का मीन होता है आपका वाइफ या आप हस्बैंड, यदि आपके हस्बैंड आप यदि आपके वाइफ और हस्बैंड का यहाँ डिटेल भर दीजिए, स्पाउस फर्स्ट नेम, जैसे मेरी वाइफ का मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ क्योंकि एज ए नॉमिनी यह होता है, इसलिए आप अपने स्पाउस का नाम डाल दीजिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है, उसका आधार नंबर आपको यहाँ पर इनपुट करना है, और नॉमिनी का डिटेल्स, यदि आप नॉमिनी एज सेम एज स्पाउस रखना चाहते हैं अपनी पत्नी या अपने हस्बैंड को, वाइफ को, तो आप यहाँ टिक कर सकते हैं। ओके, और आप देखेंगे कि राइट साइड में भी कुछ बता रहा है कि आपको, यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ अपना आधार नंबर अपनी वाइफ का, ठीक है, और उसके बाद मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँगा। अभी आप देखिए कि मैंने स्क्रॉल डाउन किया और जितनी भी नॉमिनी की डिटेल्स आ रही है ये आपको पूरा फिल करना है, जैसे रिलेशनशिप विद द सब्सक्राइबर, मतलब सब्सक्राइबर मतलब जो स्कीम ले रहा है। उसके बाद आप देखेंगे पेंशन अमाउंट, अब यहाँ देखिए पेंशन अमाउंट आपको 1,000 चाहिए या 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। और इसमें जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑटो डेबिट डेट, जिस डेट को आपको ऑटो डेबिट करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, और कंट्रीब्यूशन पीरियोडिकली, यदि आपको मंथली करना है तो मंथली, मतलब आपका जो पेंशन का EMI है वो कटेगा, यदि आप क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ, ओके, 3 मंथ में एक बार, हाफ ईयरली, ऐसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
और कंट्रीब्यूशन अमाउंट आपका ऑटोमेटिकली आएगा, आपके एज के अकॉर्डिंग आएगा। यदि आपकी एज कम है तो आपको ईएमआई कम बनता है, यदि एज ज़्यादा होती है तो ईएमआई ज़्यादा बनता है, और ये 40 साल के बाद ही आपको ये पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक कैलकुलेटर भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना ईएमआई पे करना है और कितना पेंशन लेना है। पेंशन अमाउंट मीन्स जो आपको मिलेगा 40 साल के बाद हर मंथ। ओके, ये से मैंने सेलेक्ट किया 5,000, तो मुझे 5,000 हर मंथ मिलेगा, और 3229 क्वार्टरली, मतलब 3 महीने का मैं दे रहा हूँ। ठीक है, 3,000 कुछ, और हाफ ईयरली लूँगा तो 6,000 आएगा, पर मैं क्वार्टरली जैसा अपना आप अपना सहूलियत के हिसाब से इसे सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों, बहुत सिंपल है। और इधर जो इंस्टेंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑटो डेबिट डेट है, वो उस तारीख को आपका पैसा कट जाएगा आपके अकाउंट से एसबीआई के। तो हम क्योंकि एसबीआई की बात कर रहे हैं, तो मैं एसबीआई की ही बात करूँगा नेट बैंकिंग से। ओके, उसके बाद एसएमएस सब्सक्रिप्शन यदि आपको चाहिए, जैसे आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो आप इसे यस कर दीजिए, तो ये बेटर ही रहेगा। उसके बाद सबमिट कीजिए, आपको एक पॉपअप आएगा, उसके ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ आपके स्पाउस का क्या डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, मतलब जिसका आपने नॉमिनी सेलेक्ट किया है उसका आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करना है दोस्तों। ये करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब ये वेरिफिकेशन होता है तो वो वहाँ पर चेक करते हैं बिना आपको बताए कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आपको ये बताना पड़ता है, तभी जाके नॉमिनी प्रोसीड होता है। अब ये जैसे मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया है, और ये देखिए दोस्तों हो गया, बस इतना सा देर है दोस्तों कि दोस्तों आपने देखा आपका कि ये जो कितना आसान है सबमिट करना। बाद में जो पॉपअप आता है उसमें जो पीआरएन नंबर है वो आपको लिखना है, उसे सब कुछ सेव करके रखना है अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिख लीजिए। और ये फिर भी आपको ईमेल भी आएगा, जो आपने ईमेल दिया है उस पर आपको ईमेल मिल जाएगा कि आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है अटल पेंशन योजना। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आप भी ये अटल पेंशन योजना का जो बेनिफिट है जरूर उठाइए, यदि आपकी एज सही है 18 से लेके 40 के बीच में, ताकि आपको 16 के बाद एक पेंशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर आप इसे लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। रही बात कैलकुलेटर की, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा। तो तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बने रहिए इंडियन याकर के साथ। बाय बाय, सी यू।